चलिए, तो हम साइंस, जनरल साइंस देख रहे हैं या सामान्य विज्ञान? तो इनके वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, उनके आंसर। तो हमारा साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? तो याद रखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक उपयुक्त होता है? तो C14, C14। अगला है पारे की बूंद बूंदों का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए। अगला हमारा रेफ्रिजरेटर का फेजर सबसे ऊपर भाग में, ऊपरी भाग में लगाया जाता है, इससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। अगला चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है? तो याद रखिए, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण। अगला है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो याद रखिए, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। अगला है भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो याद रखिए, ड्यूटेरियम। अगला विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बॉरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस में। अगला है हाइपर एमनेसिया क्या होता है? तो असाधारण स्मरण शक्ति। अगला है हमारा ट्रोपोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिए, 0 से 16 किलोमीटर। अगला स्ट्रेटोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई है 16 से 50 किलोमीटर। मीजोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर का विस्तार है 80 से 500 किलोमीटर। एटमोस्फेयर अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है 0.4%। अगला रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो याद रखिए, विटामिन ए की कमी से। अगला है रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो याद रखिए, गठिया का। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो जोनास ईसाक ने। अगला है अनुवांशिकी को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा? तो याद रखिए, W.L. जॉनसन ने। अगला है प्लास्टिक उद्योग में PVC किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? तो याद रखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। अगला है भूमि से टकरा कर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती अपनी प्रत्यास्थता के कारण? अगला है न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? निम्न तापीय। अगला है कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण पड़ता है? सूर्य ग्रहण। अगला है इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तिरुवनंतपुरम केरल में। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परिता एक चक्कर पूरा करता है? तो याद रखिए, बुध। अगला है वेरियम मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो याद रखिए, आहार नलिका के एक्सरे के लिए। अगला है प्राकृतिक यूरेनियम में U-232 की मात्रा लगभग कितनी है होती है? तो 0.7%। अगला है टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिए, तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। अगला है कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो याद रखिए, आर्गन। अगला है कलपक्कम
एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं किया जाता है? थोरियम का। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? लॉर्ड रदरफोर्ड ने। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना होता है, तो लिफ्ट त्वरण क्या होगा? तो त्वरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगला है हर्ट्ज किसका मात्रक है? आप 3 का। अगला है 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10^-7 सेंटीमीटर के। अगला है घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन की कमी के कारण। अगला है हमारा डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगता है? तो यह डिप्थीरिया, बुखार, खांसी, टिटनेस की रोकथाम के लिए। अगला है पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। अगला है डेंडालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए वृक्षों का। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन। अगला है एस्टोडी क्या है? तो याद रखिए ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए? प्रोटीमियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो याद रखिए तिरुवनंतपुरम में। अगला है कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद। अगला है जोसेफ पिस्टले ने किस गैस की खोज की? ऑक्सीजन की। अगला है बायोगैस का मुख्य घटक है मिथेन। अगला है किस तत्व के द्रव्यमान संख्या ए परमाणु संख्या जेड है? इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी a-z z कॉमा z a-z कॉमा z z मतलब न्यूट्रॉन a-z प्रोटॉन z इलेक्ट्रॉन z। अगला है कुलथी एक दलहनी फसल है जिसे दाना एवं चारे में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन तत्व। लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति हुई है लेटिन शब्द से। अगला है फसलों में बीटी क्या है? एक मृदा जीवाणु। अगला है कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की विमा बताइए? तो ये क्रमशः m(l^2) t^-1 m(l^t^-1। अगला है रेलवे ट्रैक के मोड़ के या वक्र के निकट का वह भाग सामान तक किस लिए उठाया जाता है? रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए। अगला है शहद का मुख्य भाग है फ्रुक्टोज। अगला है मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन्स। अगला है दृश्य विकास के वर्णक्रम का तरंग दैर्ध्य परास है 4000 से 8000। अगला है कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। अगला है विद्युत चुम्बक किसके बनाए जाते हैं? नरम लोहे के। अगला है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो यह के वे बेंडिस। अगला है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। अगला है 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशत होती है 75%। अगला है प्रोटीनहीनता जन्य रोग है क्वासियोकर। अगला है स्तनधारियों में तिल्ली का क्या कार्य है? तो ये रक्त उत्पादक ऊतक के रूप में। अगला है हमारा डीएनए होता है तो यह डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला है डी2 भारी जल। अगला हैवी वाटर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम। अगला है फ्लाग्या रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन विटामिन B2 की कमी। अगला है कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग के लिए किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? सोडियम एजाइड। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। अगला है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? थर्मोकपल। अगला है इसरो का पूर्ण नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम संबंधित है? लाइपेज। अगला है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आते हैं। अगला है विटामिन B12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? एनीमिया। अगला है क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है? वह मैग्नीशियम की उपस्थिति।
अगला है आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तथ्य का नामकरण किया गया? मेंडे लिवियम 101 मत का। अगला है बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? तो यह अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए। अगला है स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने पर कौन सी बीमारी होती है? तो यह मेनिनजाइटिस। अगला है विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? कोडाई कोडाई कनाल तमिलनाडु में। अगला है दाब मापने का मात्रक पास्कल है जो बराबर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब के। अगला है हमारा संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होते हैं? आरोपित बल के। अगला है एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? ताप तथा आर्द्रता को। अगला है कंप्यूटर के संबंध में DOS का क्या अर्थ है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? मीनू। अगला है विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो याद रखिए शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके करने से CaO प्रेकोष्ठक OH कोष्ठक बंद 2 Cl2 डैश CaOCl Cl H2O। अगला है प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। अगला है भारत द्वारा विक्षेपित प्रथम उपग्रह है? आर्यभट्ट। अगला है मानव आराम आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? संवेग का। अगला है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है समय वेग ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है त्वरण। अगला है जी किरणें बनी है तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की। अगला है रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स क्या होते हैं? तो याद रखिए प्रोटीन्स स्टीरॉइड्स तथा बायोजेनेटिक अमीन्स। अगला है विकृति की बीमा क्या होती है? तो याद रखिए विकृति बीमाहीन राशि है। अगला है वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव वन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। अगला है भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? तो यह क्वासी ओकर और कर। अगला है मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारण करने वाले जैविक रंजन को क्या कहते हैं? तो यह मेलानिन। अगला है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं हार्मोन। अगला है नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्लाग्या। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है HQ PM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइसिन ट्रोपोपेन ट्राइपोपेन तत्व में अगला जैव विविधता के पितामह जनक हैं ईओ विल्सन। अगला है हमारा एड्स मलेरिया दाद क्षय रोग में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? क्षय रोग। अगला है दिल की बीमारी जिससे रक्त पूर्ति आप पर्याप्त होती है क्या कहलाती है? एंजाइना। अगला है पेडियाटिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? शिशु रोगों के। अगला है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस से भांति व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह। अगला है गुप्त ऊष्मा की विमाएं हैं तो याद रखिए L² T⁻²। अगला है गर्म पानी के गीजरों के अंदर अस्तर तांबे का क्या बना क्यों मनाया जाता है? तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगला है सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। अगला है किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक माना जाता है? तो याद रखिए बैंगनी प्रकाश। अगला है पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो याद रखिए यह फरासरण द्वारा। अगला है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। अगला है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला है 1024 व्हाइट किसके बराबर होता है?
1 किलोबाइट के। अगला है तेंथ तिशिक विकास किरण पुंज कहलाता है, तो याद रखिए लेजर। अगला है अन्य आर्निथालोजी में किसका अध्ययन होता है, तो चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण। अगला है हमारा CH3OH सूत्र किस रसायन का है, तो यह मैथिल एल्कोहल। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। अगला है विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, पिलाग्या। अगला है भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, पुणे में। अगला है राती दृष्टि उपकरण में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का। वो अगला है वार बार किस भौतिक राशि का मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का। अगला है भारी जल का अणु भार कितना होता है, 20। अगला है 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है, यदि एक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार होगा 0। अगला है सूर्य के परिता परिता पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति होगी 1.2 × 104 किलोहर्ट्ज़। अगला है सेल का EMF का निरूपित करता है कार्य। अगला है कंप्यूटर में डॉस का क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फिलोरीन। अगला है डेंडल जॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से। अगला है प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, कवक से। अगला है टेकोना रोग किस अंग से संबंधित है, आँख से। अगला है पॉजिटॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने 1932 में। अगला है युग्म उत्पादन की घटना है, तो किसी नाभिक द्वारा जी किरण फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिटॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना। अगला है बर्नौली का सिद्धांत आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है, तो टाइटेरियम टाइटेनियम। अगला है हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी इसमें स्थानिक कौन है, तो ट्रिटियम। अगला है EEG नामक यंत्र से क्या अंकित होता है, मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता। अगला है गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, तो कम प्रोटीन वाला। अगला है कैटेरेक्ट किस अंग की बीमारी है, आँख की। अगला है एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, महामारी रोगों का। अगला है वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सेरेब्रम। अगला है किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो याद रखिए AB रक्त ग्रुप वाला। अगला है क्षय रोग के लिए जैव रोधी प्रयोग होता है, स्टेपिटोमाइसिन। अगला है फ्यूज बारे का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए। अगला हमारा अधिकतम घात वर्ण धातु है, तो याद रखिए सोना। अगला द्रवित पेट्रोलियम गैस में होता है, ब्यूटेन प्रोपेन। अगला सुप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पतिक नाम है, सेकेरम ऑफिसेनेरस। अगला सफेद भंगक का वैज्ञानिक नाम है, होलोट्रेचिया कॉन्सान गोनिया। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम तथा सस्य परिस्थिति जोन की संख्या कौन सा है, 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स और 131 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। अगला है स्व परागण क्रिया किससे संबंधित है, स्वयं निषेचन से। अगला है हमारा पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को चीज कितने दिनों तक पिलानी चाहिए, 10 दिनों तक। अगला है पशु के चित्त में गाय में दुग्ध ज्वर किस पोषक तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम। अगला है आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है, आली आलू चिप्सोना 1, 2, 3 प्रजातियां। अगला है फूल गोभी में है टेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो यह मॉली बिडेनम। अगला है पाइराइट का सूत्र है Fe2। अगला है ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला पशु पक्षी है, तो चमगादड़।
अगला हमारा, मनुष्य में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? एनिमल। अगला है हमारा, एक हार्ट बीट में अनुपात कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। अगला है, स्फेग्मोमैनोमीटर किस कार्य के लिए उपयुक्त होता है? तो यह रक्त दाब नापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए।